आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत उर्गम घाटी के सुंदर से ढोल दमाओं के साथ। तो दोस्तों देखिए, ऐतिहासिक मेला नंदा स्वनल मेला, जिसे गरुड़ छाड़ मेला भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक ऐतिहासिक भीड़ यहाँ पे जमा हुई है। देखिए, जो कि मैं आपको बता दूँ, उर्गम घाटी के जितने भी गाँव हैं, तमाम गाँव के लोग यहाँ पर आए हैं, और जिसमें सभी लोग आपको दिख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से मेले को यहाँ पे सभी लोग एक भव्य रूप दे रहे हैं। देखिए धाकुड़ी झूमेलों के माध्यम से मेले का आयोजन हो रहा है। देखिए, जिसमें मैं आपको बता दूं, उर्गम घाटी के जितने भी देवी देवता हैं, सब यहाँ पे अपना अवतार लेते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरी वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सुंदर सा यहाँ का नज़ारा देखिए उर्गम वैली का, और देखिए ऐतिहासिक मेला। तो दोस्तों देखिए, मेले में सभी गांव की महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, और
शानदार से यहाँ पे अपनी दाकुड़ी और झुमेलों के माध्यम से मेले की जो रंगत है उसको बनाए हुए हैं। देखिए शानदार सा उर्गम वैली का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों गरुड़ छाड़ मेले का जो आकर्षक का केंद्र है लगभग तैयार हो चुका है। मैं आपको बता दूं सभी की नज़र ऊपर सुराय के पेड़ पे लगी है क्योंकि वहाँ ऊपर रस्सी बांधी गई है और नीचे पहिया के पेड़ से उसको बांधा गया है, जिसमें मैं बता दूं आपको विष्णु भगवान जी अपने वाहन गरुड़ में बैठ करके आते हैं रस्सी की सहायता से और सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। दंत कथाओं में कहते हैं कि विष्णु भगवान जी अपने वाहन गरुड़ में बैठ करके यहीं से बद्रीधाम के लिए रवाना होते हैं, इसीलिए इस मेले को गरुड़ छाड़ मेला भी कहते हैं। तो दोस्तों आप भी आनंद लीजिए उर्गम घाटी का ऐतिहासिक गरुड़ छाड़ मेला और नेक्स्ट ईयर आप भी ज़रूर आइए उर्गम वैली का ये सुंदर सा ऐतिहासिक मेला देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि उर्गम घाटी की संस्कृति आपके माध्यम से औरों तक भी पहुँचे और भी जाने उर्गम वैली को और भी लोग उर्गम वैली में आइए। हमने जो दे लगाया।